तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं जो है हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो टीयर टू का पेपर हुआ है उसमें हिंदी के सोल्यूशन की बात। अब तक जो है मैथ के और साथ ही साथ जो है जीएस के और इंग्लिश के सोल्यूशन पहुंचाए जा चुके हैं, अब हम लोग हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में सबसे पहला जो अपना प्रश्न आया था वो क्या आया था, आइए उस पर विचार हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न जो अपना आया था, सबसे पहला प्रश्न, उसमें क्या दिया गया था, कहा गया था कि दिए गए विकल्पों में से पूर्ण विराम चिन्ह बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया गया है आपका जो है, कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से स्वार्थ का विलोम शब्द चुनिए। तो यहां पर स्वार्थ का विलोम शब्द जो होगा वो होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमार्थ। चलिए हम देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है दिए गए विकल्पों में से अरुण शब्द का अर्थ चुनिए। अरुण शब्द का अर्थ होता है यहां पर सूर्य। तो यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरे का भी आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चौथे पे अगर हम लोग बात करें, चौथे प्रश्न की, चौथे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का उचित संधि विच्छेद चुनिए और कहा गया है विद्यालय। तो विद्यालय का जो उचित संधि विच्छेद है वो जो है चौथे प्रश्न के ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए और आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से सप्ताह में होने वाला के लिए एक शब्द चुनना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं साप्ताहिक, यानी यहां पर पांचवें नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए छठवें नंबर प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो छठवां नंबर प्रश्न क्या है, तो उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो यहां पर यह छठवां प्रश्न क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला क्या होगा, इसमें दिया गया है मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यह आपका सही हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की अगर बात करें तो सातवें प्रश्न में क्या होगा, कहा गया है निम्नलिखित जो है विकल्पों में से व्यंजन चुनिए, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए आठवें प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, आठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो आठवां प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा काल, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा काल है, तो कहा गया है राम का विद्यालय कल बंद रहेगा। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी में है या भविष्य में होगा। चलिए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर नौवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां क्या है हमारा, कहा गया है निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द बताइए। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हमें बताना है, वह वाक्य क्या है, वह वाक्य है वह एक अच्छा आदमी है, तो यहाँ इसका विशेषण हो जाएगा क्या, अच्छा, तो यह आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब अगर हम लोग देखें तो जो है प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो दसवें प्रश्न में हमें क्या लिखा गया है, आइए दसवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दसवां प्रश्न को जो है दसवें प्रश्न में हमसे कहा गया है दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक वाक्य बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। डी में क्या दिया गया है, दिया गया है राम ने रावण को क्यों मारा। चलिए अब अगर हम प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो 11 में क्या दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। हमसे कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, अंगूठा छाप। तो देखिए यहां पर इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, अनपढ़। चलिए इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो देखते हैं प्रश्न नंबर क्या 12। 12 में कहा गया है निम्नलिखित वाक्यांश में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए कहा गया है वाक्य क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहां पर संज्ञा क्या हो जाएगी बताइए, बच्चे हो जाएगी, यानी 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देखते हैं। 13 में क्या दिया गया है, दिया गया है निम्नलिखित में दी गई संख्या को हिंदी संख्या के अनुसार विकल्पों में चुनिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया गया है, 14 में दिया गया है निम्नलिखित दिए गए वाक्य को उचित सर्वनाम शब्द की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ब्लैंक दिया है, फिर कहा गया है क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या नाम है। और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 15। 15 को अगर हम लोग देखें तो प्रश्न में 15 में क्या दिया गया है हमें, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। तो देखिए बहुवचन चुनना है और दिया गया है हमें बिंदिया, तो अब इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंदिया। ठीक, अब देखिए अगला चलिएगा प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या दिया गया है, आइए हम लोग 16 की बात करें। तो 16 में क्या दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द कौन सा है, और एक सेंटेंस दिया गया है, कहा गया है मेरी बहन की नाक चपटी है। तो देखिए यहां पर इसका विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में क्या दिया गया है, चपटी। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए।
बताइए यहाँ लिखा गया है शब्द क्या है, दौड़ता खरगोश है तेज, और इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 17 का बी। प्रश्न संख्या 17 का हो जाएगा बी। बी में क्या लिखा गया है कि खरगोश तेज दौड़ता है। आगे चलिए 18वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और 18वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया ये उस पर बात हम लोग करते हैं। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया बताइए। क्या बताना है हमें, क्रिया बतानी है। कहा गया है सीता नाच रही है, अगर सीता नाच रही है तो इसमें हमें क्रिया क्या है, तो क्रिया ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या, तो नाच रही है वो आपकी क्रिया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 को। 19 के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, तो आइए 19 को हम लोग ध्यान से पढ़ें। तो उसमें कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से व्यंजन बताइए, तो यह आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है व्यंजन। व्यंजन क्या है इसमें क। चलिए उसके बाद अगर अगले प्रश्न को हम लोग देखें, यानी 21 नंबर प्रश्न को देखें, सॉरी 20 नंबर प्रश्न को देखें, तो इसमें क्या दिया गया है, 20 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। अब देखिए शब्द का शुद्ध रूप चुनना है, पहले में दिया गया प्रथा, दूसरे में दिया गया परथा, और तीसरे में दिया गया पिरथा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी प्रथा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखें, तो 21 नंबर में क्या दिया गया, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए पर्यायवाची शब्द, और शब्द क्या दिया गया, चोटी। जो चोटी का यहाँ मतलब हुआ शिखर, तो शिखर का जो है पर्यायवाची क्या होगा, शीश। तो यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए और आगे अगर हम लोग बढ़ें, क्वेश्चन संख्या 23 पे देखें, तो क्वेश्चन संख्या 23 में क्या दिया गया है, तो कहा गया है वर्तनी के जो है, वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप चुनिए। तो यहां पर कहा गया है वर्तनी के आधार पर शुद्ध रूप चुनना है, और आपके लिए चार ऑप्शन, तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया है तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो। अब देखिए इसके बाद दिया गया है तुम बहुत बुरे व्यक्ति हो, इसके बाद फिर दिया गया है तुम बड़े बुरे व्यक्ति हो। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इन सब में एरर है, थोड़ा थोड़ा मात्राओं का एरर है, जो पढ़ने में नहीं आएगा अच्छे ढंग से, लेकिन यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 22 की अगर हम लोग बात कर लें, तो 22 में क्या होगा, 22 में दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो देखिए दिया गया है शब्द विलोम, तो इसका शब्द जो है क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका अस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 24 को देखते हैं और 25 को देखते हैं, 24 को और 25 को। तो सबसे पहले हम लोग 24 को देख लेते हैं, 24 में क्या दिया गया है, 24 में दिया गया है जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, और जयपुर के नीचे जो है रेखा खींची गई है। कहा गया रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब किसी नाम स्थान का बात जो है की जाए, तो वह जो है कैसी संज्ञा होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस जो है सेक्शन के अंतिम प्रश्न को लेते हुए, इसमें कहा गया है दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण कीजिए। तो आपसे कहा गया है, और जो है दिया क्या गया है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं। तो ये पिताजी समाचार सुन रहे हैं, यानी यह कार्य कब किया जा रहा है, वर्तमान में किया जा रहा है। तो यहां कौन सा हो जाएगा आपका, वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों जो है ये हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो आज जो है आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ग्रुप डी के जो टीयर टू का एग्जाम हुआ था, उन सभी का सोल्यूशन आप तक पहुंचाया जा चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।